चिकन वाइट कढ़ाई बनाने के लिए मैंने यहाँ पे एक कढ़ाई ले ली है। उसके अंदर मैंने ऑयल डाला है, 4 खाने वाले चम्मच। आप चाहें तो ज़्यादा भी डाल सकते हैं। और उसके बाद ये मेरे पास लहसुन अदरक और हरी मिर्च का जो कि मैंने पेस्ट बारीक सा कूट के बनाया है वो मैंने कर दिया इसके अंदर ऐड। और मैं इसको 2 से 3 मिनट फ्राई करती हूँ। यहाँ 2 से 3 मिनट मैंने कर लिया है फ्राई लहसुन अदरक और हरी मिर्च को। अब मेरे पास ये कड़े मसाले हैं जिसमें बादियान का एक फूल है और 15 से 20 दाने काली मिर्च के और एक बड़ी इलायची है जो कि मैंने कर दिया इसके अंदर ऐड। और थोड़ा सा मैंने ज़ीरा भी ऐड किया है, तो इनको भी 1 से 2 मिनट फ्राई करती हूँ। अब मैं यहाँ पे चिकन ऐड कर रही हूँ। चिकन मैंने यहाँ पर लिया है 1 किलो और इसको मैं भूनती हूँ 5 से 6 मिनट। तो मैंने कर लिया है फ्राई 5 से 6 मिनट। अब मैं इसके अंदर ही आप देख सकते हैं प्याज है, प्याज मैंने लिए थे 3 मीडियम साइज़ के और इसको भी मैं 2 से 3 मिनट अगेन भूनती हूँ। अब यहाँ पे मैंने एक बॉल गेंग कर लिया जिसको मैंने अच्छे से फेंट लिया है। और उसके बाद ये मेरे पास गरम मसाला है और काली मिर्च का 1 चम्मच है, 1 चम्मच नमक है और थोड़ी सी हल्दी है जो कि मैं इसके अंदर कर रही हूँ ऐड। और इसको मिक्स करके मैं चिकन में ऐड करती हूँ। मैंने सब मसालों को अच्छे से मिक्स कर लिया और दही को भी मैंने फेंट लिया था। अब मैं इसके अंदर सारी ऐड कर रही हूँ। बॉल को भी मैं अच्छी तरह सॉफ्ट करती हूँ और आपको नेक्स्ट स्टेप की तरफ लेके चलती हूँ। तो दही मैंने डाल के अच्छे से कर दिया मिक्स। अब मैं इसको हल्की आंच पे 20 से 25 मिनट पकाती हूँ। 20 मिनट के बाद मैं चेक करूँगी, अगर तो ये रेडी हो जाएगी तो मैं आपको इसकी फाइनल लुक दिखाऊँगी, नहीं तो 5 मिनट मज़ीद लगाऊँगी और पक्के जो इसकी लुक आती है फिर मैं आपको दिखाती हूँ। माशाल्लाह यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारी वाइट कढ़ाई बन के रेडी हो चुकी है। माशाल्लाह बहुत मज़े की बनी है क्योंकि मैंने इसको हमेशा की तरह टेस्ट किया है, फिर आपको बता रही हूँ कि किस तरह की बनी है। तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरी रेसिपी को और मुझे बताइएगा कि आपकी ये वाली रेसिपी किस तरह की बनी है। इसी के साथ रखिए अपना बहुत सा ख्याल। समराज लाइफ चैनल को दे इजाज़त अपनी नेक्स्ट वीडियो तक। अल्लाह हाफिज़।